अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज़ HD और मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल मकसी के दौरे पर पहुंच गए हैं। सरदार खालिद खान मकसी, सैनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, माउन खसूसी सैयद फाहद हुसैन और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज भी दौरे में वज़ीर आज़म के हमराह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों की तबाहकारियों का फ़िज़ाई जायज़ा लिया और मुतासरीन सैलाब के रेस्क्यू रिलीफ और बहाली के कामों का भी जायज़ा लिया और इमदाद का भी ऐलान किया। रिपोर्ट मोहम्मद असलम सुमरो, पाक 99 न्यूज़, HD जाफराबाद बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के उन इलाकों के दौरे पे आया हूँ जहाँ पर बारिशी रेले ने तबाही मचाई और पहाड़ों से पानी जो है वो मैदानों से उसने देहातों में, कस्बों में, गांव में बहुत तबाही मचाई। अभी मैं जलमक्सी के एक गांव से होके आया हूँ। वहाँ पर गांव के लोगों के मुताबिक 8-10 फुट तक पानी आ गया था। अभी भी पानी यहाँ पर बहुत पानी जमा है और उनके माल मवेशी और इस तरह उनके घरों को नुकसान पहुंचा है। अल्लाह का शुक्र है उस गांव में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है। वैसे भी जलमक्सी में चूंकि ये ज़्यादा मैदानी इलाका है तो जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन यकीनन घरों का, माल मवेशी का और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। इसी तरीके से क्वेटा में, इस तरीके से किला सैफुल्ला में, योग में, चमन में, लोरालाई में, लसबेला में, तमाम इलाकों में इस मरतबा बहुत तबाही मची है और पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और बारिशें जो हैं कई 100 गुना ज़्यादा इस साल बारिशें हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह और पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और बारिशें जो हैं कई 100 गुना ज़्यादा इस साल बारिशें हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर और यहाँ बलूचिस्तान में जनाब कुद्दूस बसंजो साहब वज़ीर आला और उनकी हुकूमत के साथ मिलकर हम भरपूर हम दिन रात हम काम करेंगे और हमने इस्लामाबाद